विगत 7 अक्टूबर से एक नाबालिग लड़की जो अपने चाचा अशोक के घर शास्त्री नगर के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन शाम तक उसके घर वापस न आने से परिजनों ने उसके चाचा से जानकारी ली तो चाचा अशोक जो शास्त्री नगर में रहता है उसने बताया कि वह मेरे पास नहीं आई। यह सुनकर सभी परिजनों ने आसपास के क्षेत्र में ही लड़की की तलाश शुरू कर दी। लड़की की कोई भी सूचना ना मिलने पर अन्य रिश्तेदारों को भी फोन किया गया। रिश्तेदारों ने बताया कि ईश्वरी प्रसाद का साड़ू मोनू लड़की को अपने साथ ले गया है। मोनू के नाम परिजनों ने नजदीकी थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, लेकिन थाना हाईवे पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इसके बाद पीड़ित परिवार अपनी गुहार लगाते हुए SSP ऑफिस पहुंचा है। मेरा साथ 3 महीना हो गया, आज मेरी बेटी चली गई है। कहां पर चली गई? वो मेरा साड़ू ले जा उसको। साड़ू की करीब 35 साल की उम्र है, मेरी बच्ची की 15 साल की उम्र है। उसको बहका करके ले गया, उसको चूतिया बना करके। मैं नरौली थाने हाईवे में भी रिपोर्ट लिखाई जी, पर लेकिन वो मोहित सर जी हैं कोमरिया कर करके कह रहा हूँ मैंने कि इस आदमी को उठा ले, मेरी लड़की आ जाएगी, पर लेकिन वो नहीं उठा रहे। आध घंटा कर देते मुझको, कह देते बाबा मुझ पर भी बड़ा काम होता है। कितने दिन हो गए लड़की को? 3 महीना हो गए साहब। 3 महीने से कोई गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं, एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं। जज की कह रहा हूँ उठाते नहीं है उसको जी। क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ साहब, एक आदमी उनमें से दो आदमी पकड़ जाए, उनमें से उसका भाई है और इसका बाप, जो पकड़ उसकी मदद कर रहे हैं उस लड़के की, अपने बेटे की, पैसा भी पहुँचा रहे हैं उसके पास में। और परसों मैं गया था अपनी पत्नी को लेकर के, मैंने हाथ पैर जोड़े तो एक नशेली का डंडा होता है मेरी जान पर दिया मेरी पत्नी के पर, उसने फेंक करके। किसने दिया था? उसी उसके भाई ने, जो लड़का ले गया है उसके भाई ने। रोज रोज आ जाता है यहाँ। कप्तान साहब के ऑफिस पे आए हो यहाँ, इन लोगों ने क्या आपको ऐसा समझा? नहीं, 3 दफे आ चुका हूँ मैं, जहाँ जाऊँ भी खाली पर्चे में लिख देते हैं कि जाओ, माँ से फोन आएगा आपके पास में।